आज मैं आप लोग को सॉफ्ट की डॉल बनाना बताऊंगी। इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए एक बार देख लीजिए। दो जोड़ी सॉक्स चाहिए, इसमें सीजर चाहिए, कुछ फ्लावर्स चाहिए डेकोरेट करने के लिए, फेविकोल चाहिए, थ्रेड चाहिए, टेप चाहिए, रिबन, उसमें बिंदी का भी यूज होगा, गूगल आइस चाहिए। अगर गूगल आइस नहीं है आपके पास तो आप ब्लैक चार्ट पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप बिंदी से भी उसका आइस बना सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम सॉक्स को कट करेंगे। कट करने के बाद किसी भी पैड पे या फिर दफ्ती है या फिर कोई भी चीज घर में ट्रे है थाली है आप उस पर भी कर सकते हैं। इसे यहाँ से रबड़ के नीचे से आप कट करेंगे। कट करने के बाद आप हल्के हाथ से धीरे धीरे थ्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार थ्रेड जब निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें दो दिन का हेल्प चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे थ्रेड निकालेंगे और पैड पे हम लपेटते जाएंगे। अब इसे हम एक तरफ से लपेट दिए हैं। अब लपेटने के बाद एक जोड़ी सॉक्स को हम इसमें लपेट दिए हैं। अब इसी पैड पे हम सीधा इस तरह से करके एक जोड़ी सॉक्स को लपेटेंगे। धीरे धीरे आप धागे को निकालते जाएंगे, जहां कहीं फंस गया आप उसको तोड़ के फिर दोबारा धागा स्टार्ट कर देंगे लगाना। ये लास्ट चल रहा है इसका। अब इसे हम यहाँ से बीच से सेंटर से अब दूसरा वाला भी हम सेंटर से कट करेंगे।
धागे से बांध ली। अच्छी तरह से डॉल को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए सिर्फ थोड़ा फैला देंगे। अगर कहीं बड़ा कहीं छोटा है तो उसको सीजर से आप कट कर सकती हैं। इसके बाद हम आइस लगाएंगे। बिंदी का लिप लगाएंगे। इसके बाद ये आप एक टाई बना सकती हैं या फिर रेडीमेड टाई भी आती है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए हम फ्लावर का यूज कर रहे हैं। ये सॉक्स से डॉल तैयार हो गया। आप इसे देखिए।